हेलो एवरीवन, आज हम लोग साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं फ्रेडरिक डब्लू टेलर का, उसमें हम लोग टेक्निक्स को स्टार्ट करते हैं, राइट। तो देखिए, इन्होंने फ्रेडरिक डब्लू टेलर ने बेसिकली कई तरीके की टेक्निक्स बताई हैं, जिससे कि जो इनका जो प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, वो लागू हो सके, है ना। जैसे कि हमने पढ़ा था वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग ए जॉब, साइंटिफिकली सेलेक्ट करना, है ना, कॉपरेशन, है ना, इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क, है ना, इस तरह से। जैसे इन्होंने एसेंस की बात करी साइंटिफिक मैनेजमेंट में, कंप्लीट मेंटल रेवोल्यूशन की बात करी। ये सब संभव कैसे हो पाएगा? ये सब संभव हो पाएगा इन टेक्निक्स के द्वारा, राइट। तो अब टेक्निक्स को देखते हैं। इसके एक या दो और वीडियो हैं, एक ये आज बना है और एक और मैं इसका बनाऊंगी, तो उसके बाद ये पूरा फंक्शनल फोरमैनशिप और ये जो सारे टेक्निक्स हैं ये कंप्लीट हो जाएंगी, और ये जो फ्रेडरिक डब्लू टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इन्होंने बताया है जो टेक्निक है ना, फंक्शनल फोरमैनशिप। अब फंक्शनल फोरमैनशिप से हम लोग क्या समझते हैं? इन्होंने बेसिकली किया क्या है, फंक्शनल फंक्शन होते हैं ना, जैसे एक काम करना है ना, उनको इन्होंने स्पेशलाइज करने की कोशिश करी है ना। मतलब इन्होंने कहा है कि अगर एक ही व्यक्ति ऑर्डर देगा तो क्या होगा कि स्पेशलाइजेशन नहीं आएगा। एक व्यक्ति को कैसे पता है कि वो एक फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि ये फैक्ट्री की बात कर रहे हैं ना, इंडस्ट्री की, तो वहाँ पे इतना सारा काम होता है, तो सिर्फ एक आदमी, उसको कैसे पता होगा कि इसको एक प्रोडक्शन की भी उसको समझ है, उसको मार्केटिंग की भी समझ है ना, वहाँ पे मशीन्स हैं बहुत सारी, उनकी उसको समझ है। तो इन्होंने बोला है कि काम बहुत अच्छा, क्योंकि बात क्या कर रहे हैं, मेंटल रेवोल्यूशन की। मेंटल रेवोल्यूशन किस तरीके से आएगा? मेंटल रेवोल्यूशन आएगा जब जो थॉट प्रोसेस है ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स, उनका चेंज हो जाएगा और प्रॉफिट आएगा, राइट। दोनों को प्रॉफिट मिलेगा एक तरीके से, है ना, उनकी सैलरीज इंक्रीज हो जाएंगी और उनको जो है उनको भी प्रॉस्पेरिटी होगी जो एम्प्लॉयर्स होंगे। लेकिन ये प्रॉफिट इंक्रीज कैसे होगा? प्रॉफिट इंक्रीज होगा इस तरीके से। तो फर्स्ट टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। तो इसमें ही रिजेक्टेड द सिस्टम ऑफ सिंगल फोरमैनशिप, मतलब यूनिटी ऑफ कमांड, जो कि आगे फेयोल बताएंगे, है ना, हेनरी फेयोल यूनिटी ऑफ कमांड की बात करेंगे, ठीक है। इन्होंने कहा है कि नहीं, फॉर स्पेशलाइजेशन फंक्शनल फोरमैनशिप होना चाहिए, और इसके लिए इन्होंने 8 फंक्शनल फोरमैन बताए हैं, राइट। तो इन्होंने 8 फंक्शनल फोरमैन बताए हैं, देखिए 4 इन्होंने बोला है, मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, 4 फॉर प्लानिंग, है ना। ये लोग बैठेंगे प्लानिंग रूम में, ये जो सिर्फ बातें, मतलब ये सारी के सारा जो काम किस तरीके से करना है उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद जो दूसरा है 4 फॉर एग्जीक्यूशन, उस प्लानिंग को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाना है शॉप फ्लोर के ऊपर, है ना, राइट। तो ये जो है उस 4 उसके लिए होंगे। तो जैसे इन्होंने नाम उनको दे दिए हैं, है ना, जैसे फर्स्ट है ऑर्डर ऑफ वर्क एंड रूट क्लर्क, है ना, दूसरा है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और शॉप डिसिप्लिनेरियन, ठीक है ना। मतलब वहाँ पे काम किस तरीके से होगा, इंस्ट्रक्शन कौन देगा, टाइम और वो सारी चीज़ें, कॉस्ट, है ना, कैसे किस तरीके से तय होंगी, वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना किस तरीके से किया जाएगा, ये सब काम है प्लानिंग का। अब आते हैं एग्जीक्यूशन पे। तो एग्जीक्यूशन में उन्होंने बोला है गैंग बॉस, स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर एंड रिपेयर बॉस, जो वहाँ पे उस समय पे वहाँ पे काम कर रहे होंगे, राइट। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, फेओल टॉक्स अबाउट यूनिटी ऑफ कमांड, एंड ऑन द कॉन्ट्रेरी फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर गेव द टेक्निक ऑफ फंक्शनल फोरमैनशिप, राइट, जिसके अंदर आते हैं 8 फंक्शनल फोरमैन। तो ये एक बात करते हैं, वहाँ पे बात है एक बॉस की, यहाँ पे बात हो रही है 8 बॉस की, राइट। इसके बाद दूसरी टेक्निक को देखिए, दूसरी है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का क्या मतलब होता है? देखो ऐसा है ना स्टूडेंट्स, हम लोग इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में ढाल के जब चीज़ों को समझते हैं तो वो चीज़ें और बहुत अच्छे से हमारी समझ में आती हैं और बहुत इजी हो जाती हैं। मोशन स्टडी का मतलब ये, जैसे मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया, जैसे आप घर में काम कर रहे हो, सपोज़ कि मम्मी तुम्हारी कपड़े धो रही है ना, तो कपड़े वो और अच्छे तरीके से, जैसे कि अब क्या मशीन, ऑटोमेटिक मशीन, वहीं पर ही उसका पानी का जो टैप है वहीं पर ही वो पास में कनेक्ट हो, मशीन वहीं पर ही रखी हो, वहीं पर हाथ उनका एकदम से पहुंच जाए, वहीं पर ही उनका जो है डिटर्जेंट हो, राइट, और उसके बाद वहीं पे एक टोकरी हो जिसके अंदर वो कपड़े को निकालें और उसके बाद तुरंत ही जाके एक मिनट में पास में ही, मतलब या छत पे जाके उन्होंने वहाँ पे रस्सी बांधी हो, जाके उसमें या फिर कोई हैंडल हो उस पे जाके वो सुखा के आ जाएं, राइट। ये हो गया एक, क्या है, एक तो ये तरीका हो गया, एक जो पहले करते थे हैं, वो बज रहा है, धोवना बज रहा है, उससे धोए जा रहे हैं, उससे नल का जो होता है उससे पानी खींचा जा रहा है, सोचिए कितना टाइम वेस्ट होगा,
उसके बाद चीज़ें अलग रखी हुई हैं क्योंकि पूरा जॉइंट फैमिली सिस्टम, सारी की सारी चीज़ें और बड़े घर है ना. अभी क्या, अभी तो हमने एक एरिया बना देते हैं कि यहाँ पे ये क्या वॉशिंग एरिया हो गया है ना. पहले ऐसे नहीं था, पहले कि नल है, नल पे भैया कपड़े धुल रहे हैं जी, राइट. तो ये क्या हुआ, मोशन स्टडी. अब देखिए इसको समझिए, टेक्निक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मेथड, काम किस तरीके से हो रहा है उसको समझना है ना, उसको तय करना कि अगर हम इस काम को इस तरीके से करेंगे तो ये काम बहुत अच्छा हो जाएगा है ना, टाइम की बचत, वही सस्ता सुंदर और टिकाऊ, पहली बात. दूसरी बात है ऑब्जर्वेशन एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द बेस्ट सेट ऑफ मोशंस. जब काम किया जा रहा है, सोचिए यहाँ पे क्या फैक्ट्री है, मशीन्स हैं है ना, और जैसे काम हो रहा है तो किस तरीके से पहले उसको देखना, ऑब्जर्व करना कि भाई ये काम अगर हम इस तरीके से करें तो कैसे होगा, या ये काम हम ऐसे करें तो किस तरीके से होगा, राइट. उसके बाद आता है फाइंडिंग आउट द वन बेस्ट वे टू डू अ वर्क है ना विद कंसिडरेशन, उसमें से एक को निकालना कि सबसे अच्छा मेथड क्या है, कौन सा काम करने का तरीका, हमारे हाथ पैर, हमारा सिर किस तरीके से हिलेगा, किस तरीके से होगा, जिससे कि हम एक बहुत अच्छा एक वो कर सकते हैं, एक उसका ये निकलेगा तरीका, वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब. अब इसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में समझे तो किस तरह से समझेंगे. देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे क्या, मोशन स्टडी, काम कैसे कैसे किस तरीके से किया जाए, ठीक है ना. हम इसको अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि आप इसको देखिए, कोई भी एक स्कीम ले लीजिए, ठीक है ना. जैसे कि कोविड हुआ है, कोविड के समय पे हम ये मोशन स्टडी को ही समझ रहे हैं. कोविड के समय पे उनका पूरा पीपीई किट आया है, ठीक है. और उसके बाद वैक्सीनेशन किस तरह से होगा, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है किस तरीके से, एक हमें क्या करना है, टारगेट क्या था कि कोविड से जो है प्रोटेक्शन, कम से कम कैजुअलिटीज हों है ना. और उस समय पे हमारे पास ये बिल्कुल एक नोवल डिजीज़ थी, इतना कुछ किसी को इसके बारे में नहीं पता था. धीरे धीरे पता चला, उसी के हिसाब से टेक्निक्स इम्प्रूव होती चली गई. दिस इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अप्लाइड इन हेल्थ सेक्टर, राइट. अब देखिए उसके बाद आता है टाइम स्टडी. टाइम स्टडी कैसे यूज टू डिटरमिन, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो जैसे ऑफिस के अंदर ऑफिस किस तरीके से मेंटेन किया जाए. जैसे सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, जैसे कि अभी हो रहा है पार्लियामेंट, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बन रही है, वो किस वजह से बन रही है, मोशन स्टडी हो गया एक तरीके से. अभी क्या है, सबके अलग 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 डिपार्टमेंट्स हैं है ना, ऑफिसेज अलग 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 तरीके से हैं. वहाँ पे क्या होगा, पार्लियामेंट में ही पूरा का पूरा सिस्टम इस तरीके से वो करेंगे, और आगे चल के ऑन द मतलब पॉपुलेशन बढ़ जाए तो उसके हिसाब से उसकी सीट भी इंक्रीज हो सकती है ना, वो होगा. सबके डिपार्टमेंट्स वहाँ पे होंगे तो क्या होगा, काम स्पीडी तरीके से हो पाएगा. दिस इज़ मोशन स्टडी, राइट. ताकि धक्के ना खाने पड़े ना इधर उधर लोगों को और ब्यूरोक्रेट्स को भी, जिससे कि काम बहुत अच्छे से हो जाए. फिर आता है टाइम स्टडी. टाइम स्टडी का क्या मतलब, टाइम स्टडी यही है जो ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है, मोशन स्टडी, किस तरीके से काम करने से वो जो समय है वो सबसे कम लगा है, इसको समझिए, ठीक है ना. जैसे यूज टू डिटरमिन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क, कौन सा जो काम किया है उसमें जिसमें सबसे ज़्यादा कम समय लगाया है ना प्रोडक्शन के अंदर, उसको हम यूज़ करना. जैसे कि ये जैसे सफाई, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से बोला है ना कि सफाई जो है मतलब स्वच्छता अभियान चलाया. अब स्वच्छता अभियान के साथ में क्या सारी की, जिससे कि कम से कम समय के अंदर हम इन चीज़ों को अचीव कर पाएँ, तो उसके लिए फिर लोगों में जागरूकता, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, घर से पूरा का पूरा लेके जाना है ना, और उसका पूरा सही तरीके से उसका डिस्पोजल, एक जागरूकता अभियान लगातार जो चलाया जा रहा है अभी भी है ना, ये सारी की सारी चीज़ें उसी के अंदर शामिल है. टॉयलेट जो है वो भी पूरा, शौचालय जो है वो भी इसी के अंदर ही शामिल है ना. तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड, ठीक है ना. और टाइम स्टडी किस तरीके से हम उस काम को करेंगे जिससे कि वो काम और अच्छे तरीके से और जल्दी हो जाए, राइट. समझ में आया. अब देखिए सेकंड है इसके अंदर, इट फैसिलिटेट प्लानिंग. प्लानिंग करना होता है पहले ऑफ ए लार्ज डेली टास्क, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे शो फ्लोर की बात हो रही है ना, तो एक दिन के अंदर हमें कितना काम अचीव कर लेना है उसके हिसाब से आप प्लान करना और उसके हिसाब से अपने मोशंस को सेट करना. जैसे कि हम घर के अंदर आज हमें इतना चैप्टर करना है, हमने तय किया है, उसके हिसाब से हम बाकी के अपने काम मैनेज करके और अपना बैठ के वहीं पे पेन रखा, वहीं पे पेंसिल रखी, वहीं पे मार्कर रखा और वहीं पे अपना अगर चश्मा लगाते हो तो, और अपना भैया पढ़ाई करनी शुरू कर दी ताकि आपको बार बार उठना पड़े, पानी की बोतल भी अपने पास में रख ली. इसको आप किसी भी तरीके से समझिए, देखिए कितना मज़ेदार है ये, है ना. उसके बाद आता है लास्ट, टाइम स्टडी में यूज़ ऑफ स्टॉप वॉच इज़ एसेंशियल. बिल्कुल सही बात है, आप अपना टाइम कैसे देखोगे ना, आपके पास वो स्टॉप वॉच होनी चाहिए है ना, और उससे क्या हमें पता चलेगा कि कितनी जल्दी में हमने काम किया, राइट. जैसे कि अभी देखिए रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, जल जीवन मिशन के तहत कहां कहां तक पानी पहुंचाया जा रहा है ना, ये सारी की क्या टाइम,
एक तरीके से आप ये समझिए जैसे हम न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में टेम्पोरल डायमेंशन की बात करते हैं, है ना, टाइम फिक्स कर देना, सनसेट लेजिस्लेशन, मतलब एक ये जो ये टाइम है ये इतने तक का है, मतलब ये जो पॉलिसी है ना, कोई भी जैसे पॉलिसी बनाई गई है कि उसमें टाइम दिया जाता है कि भाई ये टाइम हमें इतने तक हमें इस चीज़ को कर देनी है, ये हमने यहाँ से स्टार्ट किया और इतने में हमें ये पूरा कर देना है। ये नहीं कि भाई यहाँ डेमोक्रेसी है, डेवलपमेंट डेवलपिंग कंट्री है तो चलती आ रही है वो प्रक्रिया, नहीं, अब क्या चेंज शिफ्ट इन पॉलिसी, वो यही है फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर को अब हम लेकर आ गए, है ना, टाइम और उसके हिसाब से अब वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब, राइट। तो देखिए यहाँ पे आज हमने तीन टेक्निक्स करी हैं, कुछ और इसकी तीन चार टेक्निक्स बची हैं, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, और ये फिर हमारा पूरा का पूरा फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर जो है कम्प्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये जो है बहुत इंटरेस्टिंगली समझ में आ रहा होगा, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।